इंजन का काम तो बढ़िया करके देते, लेकिन जो बाहर के जो भी काम है ना उसमें लूटते बहुत है वो लोग। ग्रैंड विटारा है अगर उतना बजट हो तो एक बार सोच सकते हैं, पर उसके कॉम्पिटिशन में बहुत गाड़ी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई इसका रिव्यू आपने बहुत सारे देखे होंगे, इसका सब चीज़ देखा होगा। तो भाई देखो क्या है, मेन सबसे बड़ा रिव्यू होता है भाई ओनर का रिव्यू। तो भाई मैं आपको मिलवाऊंगा इसका ओनर से। तो उससे पहले मैं बता दूं, ये भाई 2015 मॉडल स्विफ्ट का पेट्रोल वेरिएंट है, VVT VXI वेरिएंट, ठीक है। तो भाई आज इसके ओनर से मिलवाऊंगा कि भाई गाड़ी कैसे है चलने में। गाड़ी को भाई देखो 2015 से लेकर अभी 2022 सात साल हो गए हैं गाड़ी को, और भाई गाड़ी चल गई है 54,000 समथिंग। तो यार पूरा रिव्यू ओनर से जानेंगे कि भाई ओनर ही, क्योंकि भाई ओनर ही अच्छे से बता सकता है कि गाड़ी कैसी है, ठीक है, कितनी रिलायबल है, आज तक कितना खर्चा मंगी है, ठीक है। तो भाई एक बार ओनर से मिलते हैं। तो ये है भाई ओनर। भाई कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। इंट्रोडक्शन दे दो भाई एक बार। भाई मेरा नाम हिमांशु बहरा है, मैं स्विफ्ट 2015 मॉडल का ओनर हूँ अभी, और मैं अभी फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ और कुछ काम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो भाई कितना पड़ा था गाड़ी आपको? तो ये मेरे को पड़ा था लगभग EMI वगैरह सब करा के 7,10,000 कुछ पड़ा था। अच्छा, तो भाई कहाँ से लिए थे गाड़ी? जैसे कि CG13 रजिस्ट्रेशन है, तो कहाँ से लिए थे? ये हम लोग मतलब ये पास में है एक पत्थल गाँव करके शहर, वहाँ से लिए। हाँ हाँ, वहाँ शोरूम है। अच्छा, वहाँ ज़्यादा गाड़ी खड़ी नहीं रहती। मेरे पापा एक अचानक गए थे, उनको पसंद आ गई तो ले आए थे। अच्छा, तो भाई जैसे डाउन पेमेंट वगैरह कितना पड़ा था आपको देना? तो ये मतलब उस टाइम रेट इसका था 6,52,000। अच्छा, तो हम लोग को EMI सब करा के 7,20,000 पड़ी है, और हम लोग उस टाइम डाउन पेमेंट किए थे 1,70,000 के। अच्छा, तो उसके बाद 5 साल का EMI था जो कि कंप्लीट हो चुका है अभी इसका। हाँ हाँ, और ये मतलब अभी वारंटी कुछ है नहीं। हाँ, बाकी अब जो चला रहे हैं। तो भाई जैसे इसकी गाड़ी का वारंटी ख़त्म हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो इसका मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया हो गाड़ी में? मॉडिफिकेशन तो नहीं, पर ये बम्पर एक बार चेंज हुआ है। हाँ, क्योंकि लग गई थी। हाँ हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। तो भाई देख रहे हो वहाँ पे? वाह, हाँ वहाँ देखो भाई, ऐसे वो भी भाई ही है भाई। चलो हाँ बता फिर। तो हम लोग को ये बम्पर चेंज करानी पड़ी थी। हाँ, और तब तो ठीक थी। हाँ, उसके बाद एक साल हम लोग को थोड़ा दिक्कत था घर में, तो एक साल से ज्यादा लगभग ये खड़ी थी। तो जैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? मतलब नहीं, इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस सीज हो गया था वो है। अच्छा अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम नहीं था। तो कितना खर्चा बैठा भाई, जैसे कि आपका इंजन सीज हो गया था तो लगभग? इंजन और कुछ मॉडिफिकेशन और ये सब लगवा के हम लोग को 64,000 पड़ा था। अच्छा, उस टाइम हम लोग मतलब इंश्योरेंस भी हम लोग का खत्म हो चुका था, जो कि हम लोग नहीं कराए थे। हाँ हाँ, तो बाहर से कराए थे काम हम जो है? ये हम लोग थर्ड मतलब बाहर से कराए थे, आफ्टर मार्केट से सब काम। अच्छा, और मतलब जो इंजन का काम था वो पूरा मारुति से कराए थे। हाँ हाँ, जो बाहर के जितने काम थे वो गार्निश वगैरह सब हम लोग आफ्टर मार्केट। अच्छा, तो भाई ये जो आपका ये दिख रहा है अलॉय टाइप से दिख रहा है दूर से, तो भाई ये आपका व्हील कैप है, तो फेंकाता नहीं है भाई ये? नहीं भाई कुछ नहीं, इसमें लॉक लगा के दिए थे वो लोग। अच्छा हाँ हाँ, वो लॉक अभी निकल गया पर अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आई। हाँ, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन का प्लान है? मॉडिफिकेशन तो अभी करा सकते हैं, अंदर का इंफोटेनमेंट कराने का सोच रहा हूँ, पर अभी तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं ज़्यादा। हाँ हाँ, तो मेरा उतना कुछ काम का है नहीं, जब मैं दोबारा मतलब फुल टाइम चलाने लग जाऊँगा तब मैं कराऊँगा ये सब। तो भाई एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँ भाई, भाई पूरा गाड़ी स्टॉक रखा है दिखा दूँ मैं। देखो ना यहाँ कुछ काम हुआ है ना यहाँ कुछ काम है, बिल्कुल स्टॉक है, जो कंपनी से आता है वही है, और ना स्पीकर वगैरह कुछ चेंज नहीं है ना, सब वही है। तो भाई चलो ये तो हो गया भाई, कितना था कितने का था वो हो गया। अब मेन बात बताओ कि गाड़ी अभी चलाने में कैसे है अभी इस वक्त करंट में? देखो भाई इंजन का तो बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल इंजन है मारुति का। अभी पता नहीं मारुति मतलब पुरानी हो गई या किस लिए, पर माइलेज कम दे रही है। अच्छा, और सर्विसिंग का भी हो सकता है क्योंकि अभी एक साल होने वाला लगभग सर्विसिंग का। हाँ हाँ, इसलिए भी दे सकती है, लेकिन हाईवे पर ठीक दे रही है, पर फर्स्ट और सेकेंड गियर पर मतलब ना के बराबर 8-9 भी दे रही है, बहुत कम। अच्छा, मतलब थोड़ा दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन चलता है अभी, इतना दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं भी बता दूं, मैं भी ये गाड़ी को ड्राइव किया था भाई, कम से कम 300 किलोमीटर किया था एक दिन में, आपको मैं आपको बताया नहीं था। तो भाई गाड़ी ना बता रहा हूँ 120 में भाई इतनी स्टेबल रहती है ना, मतलब भाई लाजवाब भाई मारुति बता रहा हूँ। 120 में भगाया था भाई कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ ये था भाई कद मोड़ वोड में मतलब थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, लेकिन जैसे गाड़ी हाईवे में चल रही थी सीधा भाई फुल कॉन्फिडेंस था गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो भाई जैसे गाड़ी कितना तक तो भगाया हो?
तो मैं 90-100 भी अभी सीखा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 100 अच्छा। तक तो गया नहीं, 90 तक भरा है। तो भाई देखो धीरे चलाना चाहिए गाड़ी। और भाई आज तक कुछ प्रॉब्लम, मतलब इंजन जो आपका खड़ी थी एक साल, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी में? उसके अलावा तो नहीं, अंदर है कुछ कुछ प्रॉब्लम। तो भाई मतलब जब खड़ी थी गाड़ी तो उसमें चूहा वगैरह घुस गया था, जो कि ऑब्वियसली घुसते ही हैं। तो उसमें वायर कट बहुत सारी हो गई थी, जो कि हम लोग को पता नहीं थी, वह जाने के बाद पता चली। तो वो सब भी मतलब बहुत सारे अंदर से भी करा चुके हैं। और ये ORVM भी, मतलब जो कंपनी स्टॉक आता था वो इलेक्ट्रिकल आता था, तो अंदर से ही अनफोल्ड हो जाता था, लेकिन अब हम लोग मैनुअल लगाए थे क्योंकि उस टाइम हम लोग को ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। अच्छा। और भी चीज़ें हैं, जैसे सीट वगैरह भी डैमेज कर दिया चूहा, वो सब भी है। सीट कवर वही है जो स्टार्ट में लगाया था, वही है अभी तक, मतलब कोई दिक्कत नहीं आया, बस चूहा दिक्कत किया वो उसके अलावा। तो भाई देखो 7 साल बाद भी भाई सीट कवर देखो वैसी के वैसी ही है भाई, देख लो क्वालिटी देख सकते हो। कहाँ भाई, मारुति से लिया था इसको? हाँ मारुति से कराया था। हाँ तो भाई देखो बढ़िया क्वालिटी के देते थे। और भाई ये बात बताओ बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि बाकी जो नए स्विफ्ट आते हैं उससे तो भाई मतलब ज़्यादा ही हार्ड लगता है मेरे को तो। हाँ बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँगा नए स्विफ्ट से तो काफ़ी अच्छा है, और वेट भी इसका 150 किलो ज़्यादा है नए स्विफ्ट से। हाँ मुझे भी भाई बहुत मतलब मतलब अच्छा लगता है इसका बिल्ड क्वालिटी, जो नई स्विफ्ट आ रही है ना उससे भाई तो बहुत ही मजबूत है, देखो ना उससे तो भाई बहुत ही मजबूत लगता है, जैसे डोर और भी आप देखोगे तो। और क्वालिटी जो है वो बढ़िया है। हाँ ये फाइबर सब तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें डैमेज आ ही जाता है। हाँ वो तो फाइबर बॉडी है भाई, कोई भी गाड़ी में डैमेज आएगा। और गाड़ी मतलब धोखा दी है भाई आज तक, मतलब चलते हुए? नहीं चलते वक्त तो आज तक नहीं, लेकिन क्लच प्लेट में मतलब हमारी गलती की वजह से कई बार हुए। अच्छा। मेरी वजह से तो नहीं, मेरे पापा एक दो बार गलती से, मतलब उतना सीखे नहीं थे और ज्यादा दूर ले जाते थे तब उनसे दिक्कत थी। अच्छा तो कितना बार क्लच मतलब चेंज हुआ प्लेट आपका? मेरे हिसाब से 2 बार हुई है। अच्छा। तब मैं उतना ध्यान नहीं देता था गाड़ी पे, अभी जानना। तो भाई वो तो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बताओ कि मारुति का सर्विस आप कहीं गए हो सर्विस सेंटर में करवाने इसका सर्विस? हाँ 2 बार गए थे, तो हम लोग को तब तो बहुत अच्छी लगी थी। अब जैसे मतलब एक बार मेरे भैया ले गए थे तो वो बोले थे कि इंजन का काम तो बढ़िया करके देते, लेकिन जो बाहर के जो भी काम है ना उसमें लूटते बहुत थे, बोले इसलिए हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर मार्केट करा लो जो बाहर के। अच्छा मतलब फिजूल के पैसे लेते हैं वो लोग। एक बार मैं ना गाड़ी चालू करके दिखा दूँ आपको। तो भाई ये ऐसे चालू हो जाता है भाई, ठीक है। बोनट भी दिखा दूँ भाई, बिल्कुल साइलेंट इंजन है देखो, आज भी भाई कोई आवाज़ नहीं। ये देखो भाई इंजन का स्थिति देखो भाई, अभी भी बेहतरीन है, वाइब्रेशन भी नहीं है भाई। ये देखो ये तो नॉर्मल हिलता ही है भाई इंजन, लेकिन मतलब ऐसा कुछ वाइब्रेशन फील नहीं होता है। तो भाई इसका एसी चला के देखते हैं एसी कैसा इफेक्टिव है नहीं है भाई। हाँ भाई देखो एसी तो भाई ठंडा तगड़ा करता है। कैसे? हाँ भाई बहुत अच्छा एसी है, अगर धूप में ज़्यादा देर खड़ी थी तब थोड़ा वो हो सकता। हाँ वो तो भाई, हाँ वो तो होता ही है, बाकी तो उसका कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बताऊँ ना आप लोगों को, मतलब पिकअप भी भाई अभी भी ना तगड़ा है भाई गाड़ी का, मतलब आराम से उठ रही है गाड़ी। देखो यहाँ चढ़ान भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड गियर में है लेकिन फर्स्ट गियर भाई आराम से उठती है भाई। देखो पिकअप देखो भाई एक बार गाड़ी का। और बताओ भाई कुछ नेगेटिव लगता है गाड़ी के बारे में आपको? आप नेगेटिव में एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि रैटलिंग नॉइज जरूर बन जाती है। रैटलिंग की हर गाड़ी में मैं देखा हूँ। हाँ अगर हाँ। कोई एकदम अच्छे से मेंटेन कर रहा है तब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नॉर्मली आ ही जाती है। अच्छा। और काफी आती है, मतलब ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ। जब खबर रोड में जाओगे आपका रैटलिंग नॉइज बहुत परेशान करेगी। इधर तो देखो भाई प्लेन रोड है ना, उबड़ खबर रोड। ये भाई ये भी हिलता है बहुत, इसका जो है ना ये जो है ये भी भयंकर हिलता है। वो फिनिशिंग में शायद मेरे ख्याल से। हाँ मेन बाहर से लगा है भाई ये, है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता होगा। बाकी भाई एक बार भगा के देखते हैं गाड़ी को क्या रिस्पांस रहता है भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई उठाने वगैरह में, हैंडल भाई एकदम टाइट है, हाई स्पीड में मतलब कॉन्फिडेंस देगा भाई। देखो एक बार भाई पावर तो फुल है, मतलब पुश आपको मिलेगा भाई, खींचोगे ना पुश तो मिलेगा। देखो तगड़े से भाग रही है गाड़ी। और ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे एक बार भाई, ब्रेक भी सही है इसके। तो भाई इसके अलावा मतलब ये जो अब स्विफ्ट चला रहे, नए स्विफ्ट चलाया होगा कभी? नए
तो वो कैसा लगा था, मतलब आपको बैठने में, मतलब ऐसा लगा था कि हल्की गाड़ी में बैठ गया, इससे तो हल्का लगा होगा कि कुछ फर्क लगा उसमें? उसमें फर्क इस बात का है कि पिकअप बहुत अच्छी है उसकी, इससे तो काफी मतलब अच्छी लगती है, पर बॉडी भी तो हल्की है। अगर जब भी आप करोगे तो ये जरूर हरा देंगे उसको। ऐसा क्या भाई, पावर है इसमें, ज्यादा ही पावर है। पावर तो है देखो, अभी जो डुअल जेट आ रही है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिंगल जेट जो है उसको हरा देंगे। पावर तो है, ब्रेक भी मस्त लगते हैं भाई गाड़ी के। और भाई गियर ना थोड़ा सा टाइट लग रहा है, बाकी वो कोई इशू है नहीं ऐसा, मतलब सर्विस के बाद आराम से वो स्मूथ हो जाएगा। बाकी हैंडलिंग वेल्डिंग भाई एक नंबर है, देखो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई एकदम। मतलब देखो स्पीड देखो आप, आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ बेचने का प्लान है, जैसे कि गाड़ी 7 साल हो चुका है, कुछ बेचने वेचने का प्लान है आपका? नहीं भाई अभी तो फिलहाल नहीं है, 10 साल तक तो बिल्कुल चांस नहीं है समझ लो। अच्छा, अगर मतलब कोई ऐसा कंडीशन आ जाके बेचने ही पड़ रहे तब बेच सकते हैं, लेकिन अभी कोई चांस नहीं। तो भाई जैसे कि चलो आप 3 साल बाद बेचते हो, तो ऐसा तो सोचा हो कि इसके बाद कौन सी गाड़ी लोगे? हाँ भाई, अगर मारुति पे जाओगे, मारुति पे अगर अच्छा, तो भाई लोगे तो SUV ही लोगे ना अगला? तो हाँ भाई SUV लेंगे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मतलब चाहे जितना भी बोल लो, मारुति अच्छी है इसकी, मैं मान रहा हूँ, पर फिर भी रिलायबल है बस बोलो। रिलायबल तो धोखा नहीं देती, मतलब ऐसा है ना, धोखा नहीं देती है, सबसे बड़ी बात है भाई मारुति की। भले गाड़ी बजेगी है ना, आपको सब मतलब गाड़ी मतलब आपका बम्पर उखड़ जाएगा है ना, प्लास्टिक का ये उखड़ जाएगा, वो उखड़ जाएगा, लेकिन गाड़ी चलेगी जरूर भाई। ये है मारुति का मतलब, बना के रखे हैं हमें मारुति वाले। तो भाई देखो स्मूथ है भाई बिल्कुल, AC एकदम चिल्ड करके रखा है, देखो ना फॉग जम गया उस साइड भाई। बहुत मतलब बढ़िया गाड़ी है भाई, आज भी 7 साल बाद कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।